हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी जो 14 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है। फर्स्ट शिफ्ट में जीके के जितने भी 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मुझे मिल गए हैं। सारे अब मैं आप लोगों के साथ विद एक्स्ट्रा फैक्ट डिस्कस करने वाला हूँ, सबके प्रॉपर आंसर भी बताऊंगा। और ये जो एग्जाम है आप लोगों का 14 जनवरी के फर्स्ट शिफ्ट के हैं। किसके? फर्स्ट शिफ्ट के जितने भी जेके के 25 क्वेश्चन हैं वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देख लेते हैं एक एक करके। जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों का, हाउ मेनी बैंक, जो आप लोगों के कितने जो बैंक थे जो नेशनलाइज किए गए थे 1969 में। तो मैंने आप लोगों को कल की वीडियो में भी बताया था, इससे पहले एक वीडियो अपलोड करी थी इकोनॉमिक्स वाली, उसमें भी बताया था कि 1969 में टोटल आप लोगों के 14 बैंक को नेशनलाइज किया गया था। उसके बाद छह बैंक को और नेशनलाइज किया गया था, वो आप लोगों को 1980 में पूछा जा सकता है आप लोगों को कि दूसरी बार जो नेशनलाइजेशन किया था उसमें कितने बैंकों को नेशनलाइज किया था। तो उसमें आप लोगों के 6 बैंक थे और जो 1969 में वो आप लोगों के 14 बैंक थे। इसमें मैंने आप लोगों को गवर्नर भी बताया था, जो RBI की वीडियो बनाई थी मैंने, उसमें भी ये पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि 14 बैंक और 6 बैंक किस किस ईयर में नेशनलाइज किए गए थे। अब आप लोग मुझे बता देना कि इसमें जो आप लोग हैं उस समय RBI के गवर्नर कौन थे, ये मैं आप लोगों को बता चुका हूँ RBI की वीडियो में। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का रमप्पा टेम्पल। जो आप लोगों का रमप्पा टेम्पल है ये किस स्टेट में सिचुएटेड है, तो ये आप लोगों का तेलंगाना में है, कौन सा? रमप्पा टेम्पल। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो इब्ने बतूता है किस कंट्री से बिलोंग करता है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को हिस्ट्री की वीडियो में बताया था, कल मैराथन ली थी उसमें भी बताया था। जो आप लोगों का इब्ने बतूता था ये किस कंट्री से आया था, तो ये मोरक्को से आया था। कब आया था ये आप लोगों के साथ, ये आया था आप लोगों का 1333 में आया था। कब आया था? 1333 में आया था। और इस समय जो रोल चल रहा था किसका चल रहा था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का रोल चल रहा था। और जो इसने जो बुक लिखी थी उस बुक का नाम था रेहला। तो रेहला बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? इब्ने बतूता के द्वारा लिखी गई थी। मोरक्को कंट्री से आया था, 1333 में आया था। और किस उस समय जो रूल कर रहा था दिल्ली सल्तनत पे, उस समय तो रूल किसका चल रहा था? मोहम्मद बिन तुगलक का चल रहा था, जिसको पागल राजा या पागल रूलर भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट आप लोग इब्ने बतूता के बारे में ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था चंबल रिवर जो होती है किसके ट्रिब्यूटरी होती है। तो एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन। एक फैक्ट आप लोग याद रख लेना, चंबल सिंध बेतवा केन ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है। कौन सी? चंबल सिंध बेतवा केन। चंबल सिंध बेतवा केन, तो ये जो चार रिवर आती हैं, चंबल सिंध बेतवा केन यमुना की ट्रिब्यूटरी है। एक दो बार बोल लोगे एक साथ, चंबल सिंध बेतवा केन, चंबल सिंध बेतवा केन, तो आप लोगों को याद हो जाएंगी किसकी? यमुना की ट्रिब्यूटरी है। तो मैंने आप लोगों को ये बता दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कुछ और बता देता हूँ एक्स्ट्रा, हो सकता है कि अगली शिफ्ट में आप लोगों को गोदावरी की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, आप लोगों को गंगा की ट्रिब्यूटरी पूछ ले, तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ जो आप लोगों की गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है, तो ये आप लोगों की पूर्णा होती है, मंजरा होती है, पैन गंगा। अगर इसमें गंगा जुड़ा हुआ तो आप लोग इसको गंगा मार्क कर देंगे, तो ये किसकी होती है? गोदावरी की होती है। पैन गंगा होगी, वैन गंगा होगी और प्राणहिता होगी, ये किसकी? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। नेक्स्ट आते हैं आप लोगों की गंगा, तो गंगा की आप लोगों की गोमती होगी, घाघरा होगी, गंडक होगी, कोसी होगी और काली होगी, ये गंगा की ट्रिब्यूटरी है। एक वीडियो जल्दी मैं आप लोगों के लिए रिवर पर ट्रिब्यूटरी पर भी ले आऊंगा, अगर आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे कि सर एक वीडियो ट्रिब्यूटरी पर भी बना दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो दीन ए इलाही जो रिलीजन था, मैंने कई बार बताया आप लोगों को, जितनी बार भी मैंने हिस्ट्री की वीडियो बनाई है ये क्वेश्चन आप लोग भी बता सकते हैं। मैंने हर वीडियो में आप लोगों को बताया होगा दीन ए इलाही धर्म अकबर के द्वारा चलाया गया था, 1582 में चलाया गया था, और एकमात्र जो हिंदू थे जिसने इसको अडॉप्ट किया था वो बीरबल थे। तो तीनों फैक्ट आप लोग याद रख लेने, और ये भी याद रख सकते हो जो अकबर का जो टाइम पीरियड था कब से कब तक था, 1556 से लेकर के 1605 तक अकबर ने रूल किया था। उसके बाद नेक्स्ट आता है एक फुल फॉर्म आती है आप लोगों की इन TDS, जो TDS की फुल फॉर्म में D पूछा था, D स्टैंड्स फॉर, तो इसकी होते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मैंने फुल फॉर्म की वीडियो करवाई थी, जाकर देख लीजिए, आप लोगों को TDS मिल जाएगा उसमें। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का जो प्रोटोजोवा है, जो प्रोटोजोवा से होने वाले डिसीज के बारे में पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिसीज कॉज बाय द प्रोटोजोवा। तो मैं आप लोगों को सारे डिसीज बता देता हूँ जो प्रोटोजोवा की वजह से होती है। एक तो मलेरिया होती है, उसके बाद डायरिया होती है, नेक्स्ट आप लोग कालाजार, ये भी प्रोटोजोवा से होता है, जो आप लोग का स्लीपिंग सिकनेस होता है, ये सारी की सारी डिसीज प्रोटोजोवा से होती है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच सैटेलाइट लॉन्च इन 1975। कल मैंने जो जेके के 500 की क्वेश्चन अपलोड किए थे उसमें भी आप लोगों को मिल जाएगा, उससे पहले भी मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुका हूँ
कैंडिडेट कमेंट कर रहे थे कि सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे, तो देख लीजिए आप लोगों के सामने एकदम इजी क्वेश्चन पूछ कर आया है, और ये मैंने आप लोगों को कई बार बता रखा है। तो कब आर्यभट्टा उसका सैटेलाइट का नाम था, और कब लॉन्च की गई थी? 19 अप्रैल 1975 को लॉन्च की गई थी। 19 अप्रैल को कौन सा डे होता है? आप लोग मैंने कल ही बताया था, लीवर डे होता है। उसके बाद ये जो लॉन्च की गई थी कहाँ से की गई थी? तो ये बनाई तो इसरो ने, लेकिन लॉन्च की गई थी यूएसएसआर, उस समय आप लोगों का सोवियत यूनियन हुआ करता था जिसको यूएसएसआर बोलते थे। और यूएसएसआर कब टूटा था? हो सकता है आप लोगों से पूछ ले तो 1991 में आप लोगों का यूएसएसआर क्या टूटा था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, ये भी मैंने आप लोगों को कल वाली वीडियो में ही बताया, रात ही अपलोड किया, टॉप 500 जिनका भी एग्जाम 21 और 29 को होने वाला है, टॉप 500 देखकर चले जाइए, 5 से 6 क्वेश्चन डायरेक्ट लूट कर मिलेंगे, 1 घंटे की वीडियो है। द बुक रिटन बाय द दादा भाई नेहरू जी, तो दादा भाई नेहरू जी के द्वारा कौन सी बुक रिटन लिखी गई है? तो द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये बुक लिखी गई है। इनके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। पहले इंडियन थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर बने थे। कब बने थे? 1892 में बने थे। कांग्रेस के प्रेसिडेंट कितनी बार रह चुके हैं? तो 3 बार रह चुके हैं, ये भी याद रख सकते हैं। और जो ट्रेन थ्योरी थी, जो ट्रेन थ्योरी है वो भी किसके द्वारा दी गई थी? वो भी दादा भाई नेहरू जी के द्वारा दी गई थी। और 1867 में एक एसोसिएशन थी, फाउंडर ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके फाउंडर भी कौन थे? दादा भाई नेहरू जी थे। उसके बाद जो नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने का जो सबसे पहला काम इंडिया में किया था, तो वो भी किसने किया था? द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, दादा भाई नेहरू जी के द्वारा। 1851 में इन्होंने एक अखबार या न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किया था, रक्त गुप्तकार। कौन सा? रक्त गुप्तकार भी जो न्यूज़पेपर था वो किसका था? वो भी इनका ही था, दादा भाई नेहरू जी का था। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये पूछा था कि नेशनल म्यूजियम कहाँ पर लोकेटेड है? तो जो आप लोगों का नेशनल म्यूजियम है, ये आप लोगों का नई दिल्ली में लोकेटेड है। उसके बाद मैंने आप लोगों को एक रिवोल्यूशन वाली वीडियो बना रखी है, वहीं से अभी आया आप लोगों का ब्लू रिवोल्यूशन किससे रिलेटेड है? तो ये आप लोगों का फिश प्रोडक्शन से रिलेटेड है। और जो फादर ऑफ ब्लू रिवोल्यूशन, अब आप लोगों को पूछा जाएगा कि फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? तो हीरालाल चौधरी को बोला जाता है फादर ऑफ द ब्लू रिवोल्यूशन। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया था नेपाल के पीएम पूछा गया, तो नेपाल के जो पीएम है आप लोगों के पुष्प कुमार दहल है, जो दिसंबर में अभी अपॉइंटमेंट हुए हैं। सारे जितनी भी नेबर कंट्री के पीएम है ये आप लोग याद कर लीजिए, बाकी मैंने जो एक अपॉइंटमेंट की वीडियो बना रखी है वो आप लोग भी देख सकते हैं, सारे मैंने अपॉइंटमेंट उसमें कवर कर रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था जो सैम करन है, ये जो सैम करन है ये किस कंट्री से बिलोंग करते हैं? तो ये क्रिकेटर है, और किससे बिलोंग करते हैं? ये इंग्लैंड से बिलोंग करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का 23 दिसंबर को किसकी बर्थ एनिवर्सरी होती है? तो ये होती है आप लोगों की चौधरी चरण सिंह की, जो आप लोगों का फार्मर डे यानी किसान दिवस भी मनाया जाता है। चौधरी चरण सिंह की जो बर्थ एनिवर्सरी होती है 23 दिसंबर को होती है। उसके बाद नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी जी की माता का नाम पूछा था, तो पुतली बाई था। महात्मा गांधी से जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जाकर के वीडियो देख लीजिए, 15 मिनट की वीडियो है, महात्मा गांधी से क्वेश्चन उससे बाहर नहीं आएगा, हर एक चीज कवर कर रखी है। सारे के वीडियो के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा मैं आप लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट आता है आप लोगों का एशियन डेवलपमेंट बैंक कब स्टेब्लिश किया गया था? तो ये 1966 में स्टेब्लिश किया गया था, ये भी मैंने आप लोगों को करवा रखा है। और इसके जो हेड कौन है? मसात सुगु असाकावा, ये किस कंट्री के? जापान के हमेशा इसके हेड रहेंगे। और इसको बोलते हैं सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया, क्या बोलते हैं? सॉफ्ट लोन विंडो ऑफ एशिया बोलते हैं। किसको? एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक को। इसके आप लोग वाइस प्रेसिडेंट भी याद रख लेना, क्योंकि ये एक इंडियन है, उनका नाम क्या आप लोग का? अशोक लवासा। क्या नाम है? अशोक लवासा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं हु बिल्ट द मेहरोली आयरन पिलर। हिस्ट्री की जितनी भी वीडियो बताई है, हर एक वीडियो में मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया है, और इंपोर्टेंट भी बोला है। और कल भी मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन बताया था रात ही, जो मेहरोली स्तंभ है ये किसके द्वारा बनवाया गया था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा ये मेहरोली स्तंभ बनवाया गया था, जो कहाँ पर? दिल्ली में सिचुएटेड है। भारत कला भवन कहाँ पर सिचुएटेड है? ये आप लोग का वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं, जो साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 है, 2022 के दिसंबर में अवार्ड दिए गए हैं। देखो दिसंबर का करंट अफेयर आ रहा है, जनवरी का मत कर लेना, दिसंबर तक कर लेना आप लोग एटलीस्ट। उसके बाद किसको दिया गया है? या आप लोगों का हिंदी में दिया गया, बद्री नारायण को दिया गया। फिर तुमड़ी के शब्द किसके लिए दिया गया? फिर तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया। और इंग्लिश में दिया गया अनुराधा रॉय को। इंग्लिश में पूछ सकते हैं आप लोगों को अगली शिफ्ट में, तो किसको दिया गया? अनुराधा रॉय को दिया गया। उसके बाद साइन ऑफ वेवलेंथ पूछा था, देखो कितना इजी, कह रहे बच्चे की इजी नहीं आएगा, तो साइन ऑफ वेवलेंथ सबको पता लैम्डा होता है। उसके बाद 21 देख लेते हैं, चीज सेपरेटेड फ्रॉम मिल्क बाय द विच प्रोसेस, तो किस प्रोसेस से होता है? डिकेंटेशन प्रोसेस से होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एरर हो सकती है, आप लोग इस क्वेश्चन को करेक्ट कर दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था, ये ऑप्शन थे, तो उसका आंसर आप लोगों का अगर फिल्ट्रेशन था तो फिल्ट्रेशन भी हो जाएगा। विच प्लांट आर श्रब्स, कौन सा प्लांट श्रब्स होता है? तो जो आप लोगों का लेमन होता है, जो नींबू होता है, ये एक झाड़ी होती है जिसको बोलते हैं श्रब्स होता है, ये भी क्वेश्चन था। नेक्स्ट आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एबायोटिक कंपोनेंट, दो कंपोनेंट होते हैं हमारे इकोसिस्टम में, एबायोटिक और बायोटिक। तो एबायोटिक पूछा था, तो एबायोटिक होते हैं आप लोगों के एयर हो गया, वाटर, टेम्परेचर, सनलाइट, सॉइल, मिनरल, जितने भी एबायोटिक होते हैं। और जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो लिविंग से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, इंसेक्ट हो गए, यीस्ट हो गए, ये आप लोगों के
बायोटिक कंपोनेंट है, तो ये भी क्वेश्चन था आप लोगों का। उसके बाद 24 देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन मेटल, तो ये तो इजी था, देख लो आप लोग जो कितना इजी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो नॉन मेटल पूछी थी आप लोगों से, हो सकता है कि अगले शिफ्ट में आप लोगों को पूछ ले विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटल, तो मीन्स आप लोगों को पीरियोडिक टेबल करके जानी है, मैं भी आप लोगों को करवा दूंगा, तो आप लोग मुझे कमेंट कर देना कि सर आज एक वीडियो पीरियोडिक टेबल पर भी बना दीजिए। नेक्स्ट आता है जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है, इसलिए मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिला, एक ही क्वेश्चन है जो मुझे नहीं मिला है, प्लीज आप लोग कमेंट करके बता दीजिए कि ये क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था, क्या क्या ऑप्शन थे और इसका क्या करेक्ट होगा, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा, कमेंट में पिन कर दूंगा वैसे मैं, तो आप लोग मुझे एग्जैक्ट क्वेश्चन बता दीजिए, क्वेश्चन नंबर 25। अगर आप लोग चाहते हैं जो अपकमिंग शिफ्ट होने वाली है उसकी भी एनालिसिस की जाए और उसके जेके के 25 क्वेश्चन की भी एनालिसिस की जाए, उसके लिए आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हाई स्टडी। FCI फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की ओर से एक एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है असिस्टेंट ग्रेड 3 के लिए। इसकी आज 14 जनवरी की चारों शिफ्ट कंप्लीट हो चुकी है, चारों शिफ्टों की एनालिसिस मेरे द्वारा एक एक करके कर दी गई है। हर एक शिफ्ट में जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनकी भी अलग से एनालिसिस की गई है, और इस वीडियो में हम लोग जो आप लोगों की लास्ट शिफ्ट है, जो आप लोगों की फोर्थ शिफ्ट हुई है, उसमें जो जेके के 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं उनकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ऑलमोस्ट सारे मुझे क्वेश्चन मिल चुके हैं, एक या दो क्वेश्चन है वो मुझे नहीं मिला है, वो क्वेश्चन आप लोगों में से किसी भी कैंडिडेट को याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट कर सकता है कि सर ये क्वेश्चन आप लोगों का फोर्थ शिफ्ट में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं एक एक करके क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, जो अकबरनामा बुक थी ये किसके द्वारा लिखी गई थी, तो अकबरनामा बुक इज रिटन बाय द अबुल फजल। हिस्ट्री में मैंने एक बुक्स की वीडियो करवाई थी आप लोगों को, जा करके देख लीजिए, जिनका भी एग्जाम 21 एंड 29 को है, उससे बाहर अभी तक भी किसी भी शिफ्ट में बुक नहीं आई है, मैंने सारी की सारी करवा रखी है। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों का आता है नबार्ड, जो नबार्ड था इसके बारे में पूछा गया था कि नबार्ड में आप लोगों का आर स्टैंड फोर के बारे में पूछा कि नबार्ड में आर का क्या मतलब है, तो मैंने जो आप लोगों को कराया था कि नबार्ड, मैंने आप लोगों को थर्ड शिफ्ट में भी कराया था नबार्ड के बारे में, और फिर से आप लोगों का जो नबार्ड है वो आ चुका है, तो इसमें आप लोगों की जो आर आर की फुल फॉर्म पूछे कि आर क्या है, जो आर है इसमें आप लोगों का ये होता है, आप लोगों का रूरल क्या होता है, रूरल होता है, तो मैं पूरी फुल फॉर्म बता देता हूँ आप लोगों की, इस आर का फॉर्म होता है रूरल। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट कब बना था, ये आप लोगों का बना था 12 जुलाई 1982 को बना था, किसकी कमेटी पर बना था, तो आप लोग शिव रामन कमेटी पूछी जाएगी आप लोगों से कि किस कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था, तो शिव रामन कमेटी के रिकमेंडेशन पर बना था, और इसके जो अभी हेड है ये भी आप लोग याद रखना कि करंट में इसके हेड कौन है, तो इसके हेड आप लोगों के साजी, कौन है साजी, इसके हेड है कौन है साजी, आप लोग ध्यान रख लेना कौन है, श्री साजी केवी, मैं आप लोगों का लिख देता हूँ साजी केवी, ये इसके करंट में किसके नबार्ड के हेड है, ये आप लोग जरूर ध्यान रख लेना, आप लोगों से पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है आप लोगों का जो NDB है, ये सबसे पहले आप लोगों को NDB की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, जो NDB है नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ये आप लोगों का क्या है नेशनल डेवलपमेंट बैंक है, ये इसका हेडक्वार्टर पूछा था कहाँ से है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो आप लोगों का कहाँ है, वो संघाई में पड़ता है, कहाँ पर पड़ता है संघाई में, कहाँ पड़ता है संघाई में पड़ता है NDB का हेडक्वार्टर। उसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट आता है आप लोगों का, नेक्स्ट आप लोगों का जो बारदोली मूवमेंट है, बारदोली मूवमेंट कब हुआ था, तो 1928 में हुआ था, और इसको लीड किसने किया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया था, ये भी मैंने आप लोगों को कल ही की वीडियो में कराया था, जब मैंने आप लोगों के कल हिस्ट्री के क्वेश्चन करवाए थे टॉप 200। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं भगत सिंह के साथ कौन थे, जिन्होंने जो आपकी ब्रिटिश की पार्लियामेंट थी उस समय 1928 में बॉम्ब फेंका था, तो उनके साथ थे बटुकेश्वर दत्त, कौन थे बटुकेश्वर दत्त थे, और ये इंसिडेंट कब हुआ था, तो 1928 में ये इंसिडेंट हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच एनिमल ब्रेथ थ्रू स्किन एंड लंग्स, कौन सा ऐसा एनिमल है जो स्किन से भी एंड लंग्स से भी दोनों से वो करते हैं सांस लेते हैं, तो ये आप लोगों के होते हैं एम्फीबियन, तो एम्फीबियन में आप लोगों का फ्रॉग आता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सेकेंड लार्जेस्ट कोस्ट लाइन स्टेट पूछा था, अगर पहला पूछे तो आप लोगों गुजरात होता है, सेकेंड पूछे तो आप लोगों का आंध्र प्रदेश होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं साहित्य अकेडमी अवार्ड 2022 पूछा गया था, तो इसमें पूछा कि इंग्लिश में किसको मिला है, तो इंग्लिश में पूछा गया होगा तो अनुराधा रॉय को होगा। नेक्स्ट आप लोगों से उर्दू में पूछा जा सकता है, तो उर्दू में आप लोगों का हो जाएगा अंशी अस्फाक हो सकता है, और नेक्स्ट अगर आप लोगों का संस्कृत में पूछा जाए तो आप लोगों का जनार्दन प्रसाद पांडे होगा, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, आप लोगों से किसी में भी पूछा जा सकता है, हिंदी इंग्लिश उर्दू संस्कृत ये 5 लैंग्वेज होती हैं, इन्हीं में आप लोगों को ध्यान रखना है कि किस में आप लोगों को दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो आप लोगों की जो प्रेशर की यूनिट है, तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का विच ज्वाइंट जॉइन द नेक टू द हेड, तो आप लोग कौन सा ज्वाइंट होता है जो नेक को हेड से
जोड़ता है। तो ये ज्वाइंट आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ये ज्वाइंट कौन होता है, कौन सा होता है। उसके बाद नेक्स्ट पूछा था कॉफी का नंबर वन प्रोडक्शन स्टेट पूछा था, अगर स्टेट पूछे तो कर्नाटका हो जाएगा, वर्ल्ड में पूछे तो ब्राजील हो जाएगा। मैंने कल ही आप लोगों को एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की वीडियो करवाई थी, सारे के सारे क्वेश्चन आप लोगों को हर एक शिफ्ट में आज वहाँ से देखने को मिल रहा है, सारे मैंने ऑलरेडी कवर करवा रखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, द इंडियन स्टेट हैविंग द लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री, किस स्टेट की लार्जेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री आप लोगों का हो जाएगा, वेस्ट बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट आता है व्हेन वाज द लाहौर सेशन, जो लाहौर सेशन है कब हुआ था, ये आप लोगों का 1929 में हुआ था, कौन सा, लाहौर सेशन। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं विच प्लेनेट नियरेस्ट टू द सन, सन के जो नियरेस्ट है ये कौन सा प्लेनेट आता है, तो मरकरी आता है, ये भी मैंने आप लोगों को मरकरी जो आप लोगों की यूनिवर्स एंड प्लेनेट वाली वीडियो करवाई थी उसमें करवाया था। उसके बाद फादर ऑफ द गौतम बुद्धा तो कौन थे, तो शुद्धा थे। नेक्स्ट आता है आप लोगों का जनवरी 2023 में विच कंट्री हैज द चीफ गेस्ट, जो आप लोगों का जनवरी 2023 है चल रहा है, तो 26 जनवरी को हमारे चीफ गेस्ट कौन सी कंट्री के होंगे, तो अब्दुल फतेह अल सीसी होंगे, इजिप्ट कंट्री के प्रेसिडेंट है। अगर आप लोगों से पूछे जाए कि कोप 27 कहाँ पर होगी, तो कोप 27 आप लोगों की इजिप्ट का एक शहर पड़ता है शर्मल शेख, तो शर्मल शेख शहर है, यहां पर आप लोगों की कोप 27 होगी। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं ओल्डेस्ट नेशनल पार्क पूछा है इंडिया में, तो ये कौन सा होता है, इसका नाम होता है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जब ये सुर में बना था तो इसका नाम होता था सर मेलकम हेले नेशनल पार्क, तो ये 1936 में बना था, सबसे पहला आप लोगों का नेशनल पार्क है, ये ओल्डेस्ट नेशनल पार्क है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना से, क्वेश्चन पूछा गया था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, तो कौन सी पूछी गई थी, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से क्वेश्चन पूछा गया था, क्या क्वेश्चन था आप लोग बता सकते हैं, मैं इसकी सारी डिटेल आप लोगों को करवा देता हूँ। ये योजना 2015 में लॉन्च की गई थी और इसका जो एज क्राइटेरिया 18 to 70 है और इसका जो एनुअल प्रीमियम है चेंज किया गया है, पहले 12 रुपये हुआ करता था अब 20 रुपीज़ हो गया, तो इनमें से जो भी क्वेश्चन था आप लोग बता देना कि सर इस योजना से ये क्वेश्चन पूछा गया था, या फिर हो सकता है कि ये वाली योजना पूछी गई हो आप लोगों से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये आप लोगों की 2016 में लॉन्च की गई थी, इसमें इंश्योरेंस मिलता है क्रॉप का, अगर आप लोगों की रबी की क्रॉप है तो आप लोगों को 1.5% इंश्योरेंस होगा, अगर आप लोगों को खरीफ की फसल है तो आप लोगों को 2% इंश्योरेंस देना पड़ेगा उसका, ये आप लोगों का बीमा कौन सी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, अगर ये वाली होगी तो इनमें से आप लोगों का होगा, अगर ऊपर वाली योजना पूछी गई होगी तो इनमें से ही कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया होगा। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं जो चिल्का लेक है, तो चिल्का लेक कहाँ पर उड़ीसा स्थित है, तो ये आप लोगों की उड़ीसा में स्थित है चिल्का लेक। अगर आप लोगों को पूछे भीतरकनिका नेशनल पार्क कहाँ से है, तो आप लोगों का हो जाएगा उड़ीसा हो जाएगा, तो ये भी याद रख लेना भीतरकनिका नेशनल पार्क। उसके बाद याद रखना एक होता है ओलेव रिडले टर्टल, जो ओलेव रिडले टर्टल है ये भी कहाँ पर पाया जाता है, ये भी आप लोगों का कहाँ पर उड़ीसा में ही पाया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं पूमा की ब्रांड एम्बेसडर पूछा इंडिया में कौन है, तो पूमा की ब्रांड एम्बेसडर इंडिया में कौन है, तो ये आप लोगों की अनुष्का शर्मा, ये 2022 में दिसंबर की अपॉइंटमेंट है, दिसंबर में ही इनका मतलब ये नियुक्त की गई थी, किसकी, पूमा की ब्रांड एम्बेसडर। विच स्टेट वाडानगर इंक्लूड इन द टेंटेटिव लिस्ट ऑफ यूनेस्को, तो कौन सा स्टेट का वाडानगर शहर को यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में इंक्लूड किया गया, तो ये आप लोगों का हो जाएगा गुजरात का शहर। तो ये 20 क्वेश्चन थे, ऑलमोस्ट मैंने आप लोगों के साथ सारे शेयर कर दिए, अब जो भी क्वेश्चन बचते हैं आप लोगों के, 5 क्वेश्चन बचते हैं 21, 23, 24 एंड 25, इन 5 क्वेश्चन में से भी किसी भी कैंडिडेट को अगर ये क्वेश्चन याद है तो वो कैंडिडेट कमेंट करके बता सकता है कि सर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर जैसे ही मेरे पास सारे शिफ्टों के हर एक क्वेश्चन आ जाएंगे, मैं आप लोगों के लिए एक कंपाइलेशन की 100 क्वेश्चन की वीडियो बना दूंगा, वो आप लोगों को मॉर्निंग तक मिल जाएगी, जो 14 जनवरी को 100 क्वेश्चन पूछे गए जीके के। तो ये आप लोगों की 4th शिफ्ट की जीके की एनालिसिस थी, हो सकता है कि